नमस्कार दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप शायद वीडियो में आए हो। आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। अगर अंत तक नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और आपको अगर आधार पैन लिंक करना है तो वीडियो को अंत तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे आधार पैन लिंक करना है। और पहले ही बता देना चाहता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे कॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं पैन आधार लिंक नहीं करता हूं। आपको अगर पैन आधार लिंक करना है तो आप ऑनलाइन के थ्रू खुद ही कर सकते हो, नहीं तो आपने जगह पर जो साइबर कैफे वगैरह है वहां पर जाओ, वो लोग आपका पैन आधार लिंक करके देगा। लेकिन सबसे पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा, वो सुन लो, उसके बाद आप पैन आधार लिंक कर लेना। मेरा दोनों हाथ में देखिए, एक साइड पैन कार्ड है और एक साइड आधार कार्ड है, तो इन दोनों का लिंक अभी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये लिंक कैसे होगा, ये बहुत सारे लोगों के मन में आशंका चल रही है कि भाई लिंक कैसे करे। ऑनलाइन में देख रहे हैं तो कोई बोल रहे कि फ्री में होगा, कोई बोल रहे कि हजार रुपये लगेगा, कौन सही है? तो भाई सही इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को अंत तक देखो, मेरा ये रिक्वेस्ट है। और आप अगर अभी तक टेक्निकल चिड़ू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर के बटन को दबा के, जैसे भी दबा के ना, सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि भाई वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं किंतु सब्सक्राइब नहीं करते। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई हमें बहुत बुरा लगता है। क्यों? आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। आप अगर हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप अगर हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कैसे वीडियो बनाएंगे? वीडियो बनाने का मन ही नहीं लगता है भाई। 23 मार्च को मेरे चैनल में 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। इसके लिए आप सबको बहुत ही धन्यवाद। आज के डेट पर जहाँ पर सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में क्या क्या नहीं होता है, सोशल मीडिया के कारण बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रही है आधार पैन लिंक को लेकर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल से SMS भेजेंगे तो आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा। ऐसा होता है क्या भाई, बोलिए? ऐसा अगर होता ना तो बहुत ही अच्छा होता, अगर फ्री में होता तो बहुत ही अच्छा होता। और अच्छा पहले हुआ था, पहले आधार पैन लिंक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था। आप लोग वैल्यू ही नहीं दिए थे उस टाइम। उस टाइम सोच रहे थे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आधार पैन नहीं लिंक करेंगे। अभी भाई आप अगर पैन कार्ड यूज करते हो, आपके लिए पैन कार्ड लिंक मस्ट है भाई। आप नहीं करेंगे तो आपका काम रुक जाएगा, तो आपको पैन आधार लिंक करना ही पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। जैसे आप अगर पैन कार्ड ही नहीं बनाया हो तो पैन कार्ड कैसे लिंक करवाएंगे? और अभी के टाइम पर जो लोग नया पैन कार्ड बनाते हैं उनको लिंक करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ही लिंक हो जाते हैं। दिक्कत उन लोगों को आ रही है जो लोग पहले ही आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड बना चुके हैं, क्योंकि पहले तो आधार कार्ड नहीं लगता था, ऐसे ही पैन कार्ड हो जाते थे। अभी के टाइम पर पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए लोग ऐसे पैन कार्ड भी बना रहे थे आधार कार्ड के बिना। उस टाइम ऐसे ही चल रहा था, तो फिर रूल्स आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा। पहले फ्री था, मैंने भी फ्री में पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवाया थे। हम भी उस टाइम लोगों को बोल रहे थे कि भाई पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कर लो, लेकिन लोग सुने नहीं थे। अभी ऐसा रूल्स आया कि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करेंगे तो 1000 रुपये आपको फाइन देना पड़ेगा। भाई ये मैंडेटरी है, कोई भी अगर लोग बोल रहे हैं कि 1000 रुपये के बिना अगर पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होगा, वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकते है। क्यों हो नहीं सकते? क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट में जाकर होता है, ऐसे ही कोई थर्ड पार्टी साइट में जाकर नहीं होता है भाई। तो इनकम टैक्स साइट में जो रूल्स है वही मैं आपको बोल रहा हूँ। अब अगर आपने देखिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड मेरे हाथ में, उतना ज़्यादा दिखा नहीं सकता हूँ, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करेंगे तो आपको 1000 रुपये फाइन देना ही पड़ेगा। और वो इनकम टैक्स ऑफिशियल साइट में जाकर आधार पैन लिंक करना पड़ेगा, कोई दूसरे जगह में नहीं होता है। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने के लिए आईडी होता है, मुझे आईडी एक प्रोवाइड कर दीजिए, मैं पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करूँगा। अरे भाई ऐसा कोई आईडी नहीं होता है, पहले ब्रांच आईडी में पैन कार्ड आधार कार्ड आप फ्री में लिंक कर पाते थे, जब फ्री में था तब होता था। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो भी बंद कर दिया, सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिशियल साइट में ही पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होता है, कोई SMS से नहीं होता है। कोई लोग
ऐसे ही फॉर्म फिलअप करके नहीं कर सकते, ऑनलाइन के थ्रू इनकम टैक्स साइट में होता है। वहां पर जाकर आप पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हुआ कि नहीं हुआ वो भी चेक कर सकते हो। तो भाई ऐसे ही किसी के बात में आकर कुछ भी मत करिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन को जानिए। तो आपने इस वीडियो को देखकर क्या समझे? आप अगर पैन और आधार लिंक करना चाहते हो अभी के टाइम पर, डेट कौन सा है अभी 24 मार्च 2023, और कुछ ही दिन है पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक बंद होने वाला है। लास्ट डेट है 31 मार्च 2022। इसके बाद अलग कुछ रूल्स शायद आने वाला है, इनकम टैक्स अगर अलग कुछ रूल्स लगा देंगे तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अभी 1000 रुपए है, आप अगर नहीं करेंगे बाद में 2000 लगेगा, 3000 लगेगा, तब कर लेना भाई, अभी अगर नहीं करेंगे। और जो लोग सोच रहे हो कि पुराना पैन कार्ड है वो तो पुराना हो चुका है, अभी एक नया पैन कार्ड बनाते हैं वो तो ऑटोमेटिकली आधार पैन लिंक हो जाएगा, हमको 1000 रुपए भी देना नहीं पड़ेगा, 200 रुपए में काम हो जाएगा, भाई ऐसा गलती मत कीजिए। ऐसा गलती अगर करेंगे तो आपको 10,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर पैन कार्ड होता है फिर भी आप एक पैन कार्ड बनाते हो तो आपको 10,000 रुपये फाइन लगेगा ही लगेगा। तो ऐसा मत कीजिए, जो पैन कार्ड है उसी में ही आप आधार कार्ड लिंक करवाइए। आपके पैन कार्ड अगर लिंक नहीं हो रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो कस्टमर केयर है उनको कॉन्टेक्ट कीजिए। नंबर कहाँ से मिलेगा? नंबर गूगल में ही मिलेगा। आप गूगल में सर्च करो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कस्टमर केयर नंबर, आपको कस्टमर केयर नंबर दिख जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और पूछ लीजिए आपका जो भी प्रॉब्लम है बता दीजिए, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ऐसी वैसी किसी के बात सुन के बोल रहे हैं कि भाई SMS भेजो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई SMS से पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होता है और फ्री में भी नहीं होता है। अभी के टाइम पर पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करेंगे तो 1000 रुपये आपको फाइन देना पड़ेगा। तो भाई बात हो गया क्लियर। लास्ट में भी बताना चाहता हूँ, देखो बहुत सारे लोग ज़्यादा ही समझदार है, ये वीडियो देखकर मुझे फ़ोन करेगा और बोलेगा कि आप पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करते हो, हमारा भी कर दो। देखो मैं पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करता हूँ और मैं पैन कार्ड भी नहीं बनाता हूँ, मैं पैन कार्ड बनाने वाला ID प्रोवाइड करता हूँ, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लोगों को ID प्रोवाइड करता हूँ, मैं खुद काम नहीं करता हूँ, पैन कार्ड बनाने के लिए ID प्रोवाइड करता हूँ, समझ लीजिए।